इथोपिया की रहने वाली इस औरत को नींद में सोते वक्त एक जहरीले सांप ने काट दिया था। काटते वक्त उस औरत को पता नहीं चला, लेकिन 3 दिन बाद उसका गला सूज गया, जिसकी वजह से जीभ बाहर निकल आए। डॉक्टरों ने जब इलाज के लिए कहा तो उसने मना कर दिया। दरअसल उस औरत को दुनिया के सबसे जहरीले सांप वाइपर ने काटा था, लेकिन फिर भी वो बच गई। डॉक्टर भी इसे चमत्कार मान रहे हैं। कैसे हो गया ऐसा जानकर आपको विश्वास नहीं होगा। नींद में सांप ने काट तो लिया, लेकिन उसके विष का असर इस महिला पर हुआ ही नहीं। नींद में सोते वक्त उस औरत के मुंह में सांप ने काटा था, 3 दिन बाद उस औरत का गला सूखने लगा और जीभ बाहर आ गई। जब वो घबराकर डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टरों ने इसके पीछे की सच्चाई का खुलासा किया और कुछ ऐसा बताया। दरअसल जब डॉक्टरों ने बताया कि सांप के काटने से उसकी ऐसी हालत नहीं हुई थी, तो उस महिला को विश्वास नहीं हुआ। उसकी ऐसी हालत सांप के मुंह में हुए बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो गई थी। सांप के मुंह में किसी तरह का इन्फेक्शन रहा होगा। जब वो महिला को काटने आया तो एक ड्राई बालट के जरिए उसके मुंह का इन्फेक्शन महिला के गले में उतर आया और 3 दिन बाद उसके गले में सूजन आने लगी थी। ड्राई बाइट एक तरह की बाइट ही होती है जिसमें सांप के विषदंत काम नहीं करते, वो सिर्फ हल्की बाइट देकर ही चले जाते हैं। इन्फेक्शन खत्म होने के 10 दिन बाद वो स्वस्थ होकर अस्पताल से वापस लौट आए।